ब्रेकिंग न्यूज, आज का एग्जिट पोल क्या कहता है, किसका होगा राज तिलक, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि पता होगा आप सबको कि यूपी में हो चुके हैं चुनाव, तो आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे पीछे वाले देख पा रहे हैं कि बनवारी पार्टी वर्सेस विपक्ष पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव, तो जानेंगे आज किसका होगा राज तिलक। बने रहिए हमारे साथ, मैं हूं भप्पा सिंह और आप देख रहे हैं बेमतलब की न्यूज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे मजेदार न्यूज देखने के लिए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सारी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की बड़ाई करती हैं कि हमारी पार्टी इतने वोटों से जीत रही है, इतने वोटों से जीत रही है, तो उसी के बारे में आज का एग्जिट पोल क्या कहता है, आज का यही टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, तो जैसा कि पता होगा कि बनवारी पार्टी जो कि बहुत मजबूत पार्टी है, और दूसरी तरफ है आपके राम पदार जी, देखेंगे किसका होगा राज अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनवारी पार्टी के लीडर, जो कि विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वागत है आपका विधायक जी, आप आ सकते हैं, आप शर्माइए मत, आप आके आइए, आपसे थोड़ी बातचीत की जाएगी। और दूसरी पार्टी से जुड़ चुके हैं, उन्हीं के दूसरे लीडर राम पदारत जी के दूसरे लीडर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या न्यूज निकलती है। तो लेकर चलेंगे उसके बाद आप सबको बनवारी जी के गाँव में, राम पदारत जी के गाँव में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए आइए शर्माइए मत, चले आइए चले। तो क्या लगता है विधायक जी, आप लोग चुनाव जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, कितने वोटों से आप लोग जीत रहे हैं, आपकी पार्टी ने कितना कार्य किया है, आपने कितना कार्य किया है ग्राम समाज के लिए, कितने वोटों से आप जीत रहे हैं, राम पदार जी को कितने वोटों से हरा रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, जल्दी बताइए। अरे अब इसका तो पता लगेगा 10 तारीख के बाद, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है हम लोग 10,000 से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। राम पदारत तो इतना पीछे छोड़ चुके हैं कि वो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग काफी वोटों से जीत रहे हैं। देखो देखो सुनो, ध्यान से सुनो, इनके विधायक जी कह रहे हैं, बनवारी पार्टी के लीडर जी कह रहे हैं कि ये 10,000 से 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि सूत्रों के हवाले से खबर लगी कि इनके गांव में 2-3 गांव मिलाकर 10,000 से 20,000 वोट नहीं है, ये काफी झूठ बोल रहे हैं। तो बुलाया जाए अब राम पदार के पार्टी के लीडर को, तो विधायक जी आप जा सकते हैं, आप बड़े झूठ बोलते हैं, जाइए जाइए, आपसे बात हो चुकी है, अब ग्राउंड रिपोर्टिंग में बनवारी जी से डायरेक्ट बात की जाएगी, उससे पहले राम पदार के लीडर से बात कर ली जाए। अब बने रहिए हमारे साथ बब्बर न्यूज के साथ, आइए आइए, स्वागत है आपका बेमतलब न्यूज के साथ, मैं हूं बब्बर सिंह। तो जैसा कि आपकी मूछें बता रही हैं कि आप काफी वोटों से जीत रहे हैं, क्या है इन मूछों का राज, थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए थे आप, थोड़ा मूछों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। अरे अरे भाई, कुत्ते की पूछ नेता की मूछ, बहुत हाई रहती है, बहुत टीप टॉप रहती है भाई, यही बात है, मूछों का मूछों में कुछ नहीं है। तो जैसा कि हम बताएंगे कि आप हमसे पूछेंगे कि हम कितने वोट से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं 30 से 40 वोट के समथिंग, इतना वोट तो हमें ज्यादा मिल चुका है, बनवारी की पार्टी तो हारने वाली है। तो देखा आप लोगों ने, जैसा कि सभी नेता झूठ बोलते हैं वैसे ही ये भी झूठ बोल रहे हैं। अभी आप लोगों को बताया गया कि इनके 3 से 4 गांव मिलाकर 10,000 से 20,000 वोट नहीं बढ़ेंगे, ये बता रहे हैं कि 30 से 40 वोट से आगे बढ़ रहे हैं, चलो इनको भी खेदा जाता है। अब चलते हैं बनवारी के गांव में, जहां पर करेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो बने रहिए हमारे साथ भवन न्यूज और आप देखते रहिए बेमतलब की न्यूज। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे बेमतलब न्यूज के साथ, मैं भप्पा सिंह। जैसा कि आप सबको पता होगा मैं पहुंच चुका हूं बनवारी जी के गांव में, बनवारी जी यहीं पर खटिया पे बैठे रहते हैं 24 घंटा, ये विधायक ही लड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या है सच्चाई, क्या ये वोटों से जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो बताइए बनवारी जी, क्या है बात, कैसे है बात, क्यों है बात, क्यों लड़े थे आप चुनाव, किस लिए लड़े थे चुनाव, क्यों लिए, किस लिए लड़ा जाता है विधायकी का चुनाव, बताइए आप, मैंने सुना है कि आप कोई काम धाम नहीं करते हैं, कहीं नौकरी फाटा नहीं, बस यही बैठे रहते हैं, बताइए क्या, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्यों लड़े थे, क्या बात है, क्या सच्चाई है, बताइए कितने वोटों से जीत रहे हैं, जो कि बहुत अहम सवाल है, आज का एग्जिट पोल क्या कहता है। के है ससुर तू हिया का करता है, टोपा चश्मा लगाए, के है तू चोर है, सुखो डंडा निकाल निकाल, सारे के मारी सारे के 2-3 डंडा के टोपा टोपी सब झड़ जाए, लाओ डंडा लाओ डंडा लाओ, के है ससुर का करता है, ई काली ना बात बामो मा का काली ना बे। तो ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि बनवारी जी हमें मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, इसे जल्दी से जल्दी वायरल किया जाए। ब्रेकिंग न्यूज बनवारी जी, मैं बब्बल रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आज का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, कौन जीत रहा है, आप जीत रहे हैं कि आपके प्रतिद्वंदी, कौन जीत रहा है, न्यूज रिपोर्टर। अच्छा अच्छा, रिपोर्टर है रिपोर्टर, वह जो ना फर्जी न्यूज देखा दिखाए, हम तो डरवा था, जो फर्जी न्यूज दिखावा था, झूठ बोला था, कौन न्यूज चैनल आता है, कहाँ से आया, कौन रिपोर्टर है तू, सही सही वाले कि झूठ झूठ वाले,
यहाँ तू? क्या बोला तुमने, क्या बोला? हमारी न्यूज को फर्जी न्यूज? हमारा न्यूज फर्जी थोड़ी है, हम लोग कुछ फर्जी नहीं दिखाते हैं। हमारा न्यूज बहुत फेमस न्यूज है, बेमतलब का न्यूज। चैनल देख सकते हैं और देख सकते हैं साथ में निक टू हेल्थ कॉमेडी को, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। तो बताने के बजाय ये सब आप हमें मत बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितने वोटों से जीत रहे हैं, क्या कहता है आज का एग्जिट पोल। अरे बनवारी भाई देखा था? इनके चैनल का नाम बेमतलब न्यूज, बेमतलब के यहाँ बे फर्जी यहाँ भज्जा। इनका छोड़ा, इनका मारा लाते थे बेमतलब की न्यूज लेके आया सही सही। अकाउंट काउंट दिखाओ तो आज एग्जिट पोल। अरे हेमंत कुछ ना संदेह है कि हमारे बनवारी भैया जीत चुका है चुनाव की। दिखावा तू चाहे जाऊन, बनवारी भैया चुनाव जीत गया है कि 2-3 हजार वोट से आगे चलता है अभी, ठीक है? दिखावा तू चाहे जाऊन, बनवारी भैया जिंदाबाद है ये यहाँ। चला चला ठीक है रिपोर्टर, पूछा कौन सवाल पूछे कहा है? पूछा तो रहा काहे हम विधायक के चुनाव लड़े ही, हाँ तो खाली बैठा रहे का करी, तनिक चुलबुला रहन पैसा रहन तनिक, हाँ सारे के ये के खेत बेच दे लड़ रहे विधायक के चुनाव, जीत या सारे के दवाई के पैसा खर्चा करे ही की, हाँ तुम बताया यार, देखा है केहू बताया जी, तुम इनका बतावा ही आना है तो तू सबसे गाय जा कि बनवारी पैसा खर्चा करे यहाँ चुनाव में ज्यादा, ठीक है? केहू का बताया चीन बहुत पैसा खर्चा करे ही राम पदार्थ का वह उनके मैंने कुछ ना की। हाँ ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप सबने देखा अभी तुरंत देखा कि बनवारी अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि हमने बहुत पैसा खर्चा किया है चुनाव लड़ने जीतने के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं थोड़ा और इनकी पोल पट्टी लेते हैं, देखते रहिए ऐसे ही मजेदार न्यूज। गुरुम ब्रुम 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 लगाए, हाँ ब्रेकिंग न्यूज फलाना न्यूज, हम तो क्या बताओ कहीं केहू का बताया जी नहीं तो ठीक हो ना। तो आप ये बताइए कि आप चुनाव जीतने के बाद अपने गांव के लिए कुछ काम धाम करेंगे कि नहीं, कि सब नेताओं की तरह तुम भी खा के बैठ जाओगे, कुछ काम धंधा करोगे कि नहीं, कोई विकास करोगे क्या क्या, कोई लिस्ट उस्ट बनाए हो, कोई शपथ पत्र, कोई योजना क्या क्या कुछ किए हो कि बस ऐसे ही जीतने के बाद दिखाई नहीं पड़ोगे, बताइए हमारे दर्शकों को। आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपकी सारी बातों को करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो बताइए। रिपोर्टर भैया है, रिपोर्टर भैया कहा तही हमसे टीवी पाऊ का हो, टीवी पे बनवारी भैया तही ठीक ठीक से बोला, टीवी पे चल रहा, टीवी पे चल रहा सब तो का देखा था बनवारी भैया ठीक से बोला, ठीक से एकदम जमा जा ललकार दिया की कहता ये करा वो करा, बिजली पानी सड़क नाली सब कहता नहीं, जल्दी जल्दी गिनाओ भैया। अरे राम हो सब लागा था, देखा था हमका 12 साल के यही से बैठा रहे। यार रिपोर्टर यार तू गलत समय पा गया, बताओ कहां तई के नहा धो के सेंट टोंट मार के तई के बैठा हुई की, यार तू लेके आ गया कैमरा डायरेक्ट, रुका रहा तई के 12 सही के लिए, तो बताई का काम करा हाल असुखा देख ठीक ठाक लगा थी ना, देख जल्दी और का लिस्ट बनाए ही फाइल बना के रखे ही कि चुनाव जीते के बाद नाली सड़क पानी बिजली गैस सबके व्यवस्था कराइए पूरे गांव में, एकदम एक नंबर की व्यवस्था रहे, लाइट बिजली सब एकदम झगझगा के दड़के की, बतावा था यार इसी बिना तो दवा के पैसा खर्चा हुआ है। अच्छा अच्छा आपने फाइल बना के रखा है, तो क्या हमारे दर्शकों को फाइल दिखा सकते हैं आप? लाइए दिखाइए हम भी जरा देख लेते हैं कैसी फाइल आपने बनाई है, लाइए हमारे दर्शकों को दिखाइए क्या क्या काम किएंगे करेंगे वो दिखाइए, लाइए दिखाइए क्या नाम है आपका सुक्के पुक्के जाइए जाओ जाओ फाइल लाओ बनवा दीजिए। अरे अभी फाइल केहू न पाए ओका हमारे मलकिन रख के चलिए हैं, नहीं अरे आइए तो मिले अच्छा अभी लग गए यहाँ खाना ना मिलता तो बताओ कहा फाइल मिले, चला और कौन दिन आया और कौन सवाल पूछा यार, कहा भाई सब फाइल वाइल देखा था तू कहा है जहाँ क्या है रिपोर्टर है बस सवाल जवाब करा, कहा फाइल वाइल देख तू हूँ राजू यार, पूछा और सवाल पूछा पूछा कि कैसे जीते ब्या का वो करे यहाँ का रैली करे है सब पूछता है ना यहाँ, तो हम बता देते ही 50-60 रैली करे ही घर घर जाके वोट मांगे ही जबरदस्ती जेना दिन है मारे पीटे ही सब लगा के तब करे ही कि इनकी बातों से लगता है कि बनवारी ही जीतेंगे, आपका क्या उम्मीद है कौन जीतेगा? आपने सारी वीडियो को देखा है, बताइए कमेंट करिए कौन जीतेगा, आज का एग्जिट पोल क्या कहता है, हमें तो लगता है बनवारी जीतेंगे, तो आज हम यहीं पर रिपोर्टिंग की जाती है बंद, तो आप सबसे मिला जाएगा अब कल जो कि बहुत समय हो चुका है, हम ओवर टाइम करते नहीं है इसका पैसा मिलता नहीं है, तो भैया ये इस खबर को जल्दी से जल्दी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि आज का एग्जिट पोल क्या कहता है, बनवारी जीतेंगे कौन जीतेगा, मिला जाएगा आपसे कल, देखते रहिए बेमतलब की न्यूज, मैं बबन सिंह के साथ, तो मिला जाएगा कल, तब तक के लिए देखते रहिए बेमतलब की न्यूज। एक चीज और आप सबसे कहा है, अरे भैया जो अपन एकवा चैनल है कॉमेडी का हिंदी वाला, अरे लगा था भुला गया का
जाके भैया देखा होगा चैनल सब्सक्राइब करा, खूब मजेदार रोज वीडियो आती है भैया, तगड़ी तगड़ी मजेदार कॉमेडी वीडियो, जाके भैया का जरूर सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करे हमका आगे और ऐसे जाए ताकि और अच्छा कॉमेडी वीडियो बनाई आ सब बिना। तो भैया मिला जाए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दूसरा चैनल भैया जरूर देखा है, सब्सक्राइब करें।